Start with the name of Allah, who is most mercy and most magnificent. So today's our topic is breastfeeding versus bottle feeding. Okay. So small child में जो breastfeeding होती है और bottle feeding दोनों चीज़ों का use किया जाता है. तो आज के modern दौर में ज़्यादा से ज़्यादा जो women's होती हैं वो breastfeeding से cure करती हैं और bottle feeding पे तवज्जो देती हैं. तो आए ये डिफरेंट बिटवीन देखते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग विसेस बॉटल फीडिंग के डिफरेंसेस क्या हैं. सबसे पहले ब्रेस्ट फीडिंग के डिफरेंसेस देखेंगे. परफेक्ट बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो ब्रेस्ट फीडिंग में होता है वो परफेक्ट बैलेंस होता है डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जो कि हमें मिल रहे होते हैं छोटे बच्चे को. ईजिली डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड बेबी गेट्स इम्यूनिटी फ्रॉम ब्रेस्ट फीडिंग. Early breastfeeding may be uncomfortable. जो early child होता है उसके लिए जो breastfeeding होती है वो uncomfortable होती है. Medication can interrupt the breastfeeding. Okay, जब बच्चों को हम medicines provide करते हैं या कोई चीज़ ऐसी अगर बच्चा बीमार हो जाता है तो उसमें भी बच्चा survive करता है breastfeeding में, सही से feed नहीं कर पाता breast को. ओके देन आता है बॉटल फीडिंग. व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन दीज बोथ. द न्यूट्रिएंट्स डिपेंड ऑन द प्रॉपर प्रिपेयर्ड मिल्क. ओके सो बॉटल फीडिंग में जो भी हम मिल्क डालेंगे उस मिल्क की प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें कितने न्यूट्रिएंट्स हैं. ओके नॉट एफिशिएंटली यूटिलाइज एज ए ब्रीस्ट. और ये जो बॉटल फीडिंग होती है वो एज ए ब्रीस्ट काम नहीं कर पाती. ओके बेबी डस नॉट गेट इम्यूनिटी. और जो बेबी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी जो कि हमें ब्रेस्ट फीडिंग से मिलती है वो बॉटल फीडिंग से नहीं मिल सकती. प्रिपरेशन टाइम वेरीज. ओके देन बेबी मे नॉट टॉलरेट फार्मूलाज. हम डिफरेंट फार्मूलाज के साथ उन मिल्क को बनाते हैं, डिफरेंट फार्मूलाज यूज़ करते हैं जब हम बॉटल फीडिंग करते हैं तो उन पे जो बेबी होता है वो एग्री नहीं होता और बेबी अच्छे से फीडिंग नहीं कर पाता. ओके सो दिस ऑल आर द डिफरेंस बिटवीन ब्रेस्ट फीडिंग वर्सेस बॉटल फीडिंग. थैंक यू सो मच.